देखते हैं हमारे पास जो चीज़ें आती है कॉपी पेस्ट आती है, क्योंकि इसके होम इसके अंदर में तो आपको पता ही है न्यू ओपन सेव सेव तो नॉर्मल भी करते ही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, जैसे कि प्रिपेयर के अंदर में है प्रॉपर्टीज इन डेवलपमेंट वगैरह, मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन इसके अंदर में आपके पास जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेल सेटिंग, एक्सेल सेटिंग के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पेस्ट होम मेनू के अंदर में पेस्ट स्पेशल एंड कस्टम फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जनरली हम कॉपी पेस्ट तो करते ही हैं, तो कॉपी पेस्ट क्यों करते हो, क्या क्या बेनिफिट होता है कॉपी पेस्ट करने का? थोड़ा सा स्टूपिड सवाल है, बताइए क्या यूज है उसका? एक बार कहीं ना कहीं टाइप तो करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपका हार्ड कॉपी पड़ा हुआ है तो यहाँ से कॉपी लेके यहाँ पेस्ट कर देते हो। टाइप टू अनटाइप तो होता ही है ना कहीं ना कहीं, तो टाइपिंग एरर नहीं कर सकते। मतलब कि कॉपी होता है जैसे फोटो कॉपी कि एक एक सॉफ्ट कॉपी आपके पास कहीं पड़ा हुआ है और सेम चीज़ कहीं और चाहिए तो आप उससे वहाँ से उठा के यहाँ आ कॉपी ले आते हैं। कॉपी और कॉपी करेंगे
इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट करेंगे पेस्ट एज ए बैल एंड ठीक है गुड आउट नहीं नहीं इसी के ऊपर पेस्ट कर देंगे ना रिमूव करना है ना मुझे इसको कहीं बाहर के जाएंगे तो दो रहेगा यहाँ पे तो नहीं हटेगा ना कभी कभी क्या होता है हम डेटा हम तो रिपोर्ट बनाते हैं फॉर्मूले से लेकिन किसी को मेल करना होता है तो फॉर्मूला मेल नहीं कर सकते उसका रीजन क्या होता है कि मेरे फॉर्मूला से रिपोर्ट बनाया है वो किसी डेटाबेस से लिंक होता है किसी अदर फाइल से लिंक होता है अब मैं किसी को मेल किया उसके बाद वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो आप चलेगा नहीं सुना है मतलब कि आपके पास दो फाइल है एक वन है एक टू है आपने टू आपका रिपोर्ट फाइल है वन आपका डेटा फाइल तो वो टू के अंदर में आपने जो डेटा लिया है फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट करके वन से लिया है आपने टू का किसी को मेल किया अब उसके पास वन नाम की फाइल तो है नहीं उसके अंदर फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो ढूंढेगा वन नाम के डेटा नहीं मिलेगा नया एरर दिखाएगा इससे हम क्या करेंगे हमें उसे रिपोर्ट भेजना है उसको कॉपी करेंगे उसी के ऊपर वैल्यू पेश कर देंगे तो सारे फॉर्मूले रिमूव हो जाएंगे और भेज देंगे तो भाई जैसे डेटा नॉर्मल टाइपिंग होता है उसे ठीक है अब बारी आती है पेस्ट एज ए फॉर्मेट की पेस्ट एज ए फॉर्मेट क्या करते हैं कि मुझे सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए फॉर्मेटिंग क्या होता है इसका बॉर्डर इसका कलर फॉन्ट बोल्ड इटैलिक अलाइनमेंट नंबर फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग ठीक है ना ये फॉर्मेट होते हैं तो सिर्फ वहीं पे जाए ये जरूरी नहीं कि सेम सीट पे ही रखो किसी और सीट पे किसी और फाइल पे भी इसको कर सकते ठीक है अब आते हैं बारी पेस्ट से कमेंट्स तो कमेंट जानते हो क्या होता है आप जानते हैं कमेंट्स कमेंट जो एंटर करते हैं क्या होता है सही उसे यूज क्या करते हो उसमें किसी से कोई मैसेज एंटर करना हो स्पेशल अगर हम उसको एग्जांपल दिया जाए क्यों करते हैं तो उस एग्जांपल से क्या कर सकते हैं क्या माने उस एग्जांपल को किससे जैसे कोई स्पेशल मतलब आप लोग कुछ खरीदते हो या फिर जो आते हैं प्राइजेज आते हैं लिखे हुए इन एड में मान लो कि प्राइस आया 1500 स्टार व्हाट इज स्टार टर्म एंड कंडीशन या फिर कुछ और मैसेज यहाँ पे नीचे मैसेज हिसाब का रो एंड कॉलम का विड्थ सेट करते ताकि वो एक पेज में प्रिंट आउट आ जाए
जब हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं और, अगर वहां कॉलन बड़ा हुआ तो वहां पे बड़ा आएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट में कॉलम की विड्थ पेस्ट नहीं होती, समझ गए, कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। क्या करोगे आप इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल यहां पे कर दो कॉलम विड्थ। ध्यान रखिएगा एक चीज, कॉलम विड्थ सिर्फ कॉलम की साइज पेस्ट करता है, डेटा पेस्ट नहीं करता।